चक्रवाती तूफान ताउते की चपेट में आए बार्ज P305 और टग बोट हादसे में 86 लोगों की मौत हुई। आधिकारिक बयान के मुताबिक 86 लोगों के शव अरब सागर से बरामद हुए। इस घटना के 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी कई पीड़ित परिवार ऐसे हैं जो आज भी अपने परिजनों के शवों के लिए या उनकी स्थिति के लिए परेशान है, यह जानने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं, और अगर नहीं है तो कम से कम उनका शव तो उन्हें मिल ही जाए। इस घटना को 1.5 महीने का वक्त गुजर गया है, लेकिन मुंबई की सड़कों पर कई परिवार भटक रहे हैं। ऐसे ही ये चार परिवार हैं। ये चार परिवार पिछले 1.5 महीने से इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनके परिवार का सदस्य, उनका परिजन, उनका बेटा, उनका भाई जो बार्ज P305 पर काम करता था, वो सुरक्षित है या नहीं। अगर सुरक्षित नहीं है तो उसकी स्थिति क्या है, क्या उसका शव बरामद हुआ है, और अगर बरामद हुआ है तो आखिरकार इन्हें क्यों नहीं मिल रहा है। ये पहले व्यक्ति हैं रवि प्रकाश मिश्रा। रवि प्रकाश मिश्रा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले हैं। इनके भाई शिव कुमार मिश्रा इस बार्ज P305 पर काम कर रहे थे। शिव कुमार मिश्रा की कोई खबर नहीं मिल रही है। रवि प्रकाश मिश्रा के पिताजी को भी बुलाया गया था, उनका ब्लड टेस्ट हुआ, DNA टेस्ट हुआ, लेकिन अब तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है और उनके भाई अभी भी मुंबई की सड़कों पर भटक रहे हैं। ये दूसरा परिवार है खोकन चंद्रदास, जो कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले का रहने वाला परिवार है। ये बुजुर्ग पिता है जो अपने बेटे की तस्वीर लेकर भटक रहे हैं। इनके बेटे हैं पंकज कुमार दास। पंकज कुमार दास जहाज पर काम कर रहे थे। पिता 65 साल के हैं और इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि 1.5 महीने बाद भी उन्हें ये नहीं पता कि उनका बेटा कहाँ है। इस प्रकार से तस्वीर लेकर ये भटक रहे हैं। ये जो तीसरा परिवार है ये बिहार से आया हुआ है। खतर शाह हैं पिता, जो कि कुर्ते में है, और उनके जो बेटे हैं प्रमोद कुमार, ये काम करते थे। प्रमोद कुमार की कोई खोज खबर नहीं है। बिहार के मधेपुरा जिले का रहने वाला ये परिवार है खतर शाह का, जो कि पिछले 1.5 महीने से परेशान है कि आखिरकार उनके बेटे की स्थिति क्या है। 15 दिनों से परेशान है कि आखिरकार DNA की रिपोर्ट क्या आई जिससे वो अपने परिजन की, अपने बेटे की पहचान कर सके। ये जो चौथा परिवार है ये पश्चिम बंगाल के नादिया जिले का है, तुलसीदास घोष। इनके बेटे हैं श्रीभास घोष, और श्रीभास घोष की ये तस्वीर देखिए, जो कि बार्ज P305 पर काम कर रहे थे। और श्रीभास की भी कोई खोज खबर नहीं है। श्रीभास के माता पिता दोनों ही पश्चिम बंगाल से यहाँ मुंबई की सड़कों पर पहुंचे हुए हैं पहचान के लिए कि आखिरकार उनका बेटा कहाँ है। ये चार ऐसे पीड़ित परिवार हमारे साथ हैं जो मुंबई की सड़कों पर भटक रहे हैं। इन्होंने मुंबई पहले कभी नहीं देखा था, समुद्र तो देखा ही नहीं था। इन परिवारों को ये भी नहीं पता था कि इनका बच्चा, इनका भाई आखिरकार जहाज पर क्या काम करता है। बस इतना पता था जहाज पर काम करता है, महीने की सैलरी मिलती है और 6 महीना 7 महीना जहाज पर रहने के बाद वो गांव आता है। इन परिवारों ने कभी मुंबई की भीड़ नहीं देखी, इन परिवारों ने कभी मुंबई की ट्रैफिक नहीं देखी, इन परिवारों ने मुंबई की जद्दोजहद, संघर्ष, भागती दौड़ती जिंदगी नहीं देखी। न कभी समुद्र देखा, न कभी जहाज देखे। आज ये परिवार मुंबई की सड़कों पर भटक रहा है इस उम्मीद में कि यहां से कम जब अपने गांव जाएं, परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में जाएं, तो वो एक कुछ खबर लेकर जाएं, दुखद खबर ही हो, लेकिन कम से कम ये 1.5 महीने का दर्द खत्म होना चाहिए। मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आपके भाई बार्ज पर P305 पर काम करते थे सुपरवाइजर के तौर पर। हमें बताएं कि 1.5 महीने आपको क्या क्या झेलना पड़ा। सर सब जगह गए, जे हॉस्पिटल गए, एलोगेट पुलिस स्टेशन गए, सब लोगों को जो भी अधिकारी साहब हैं सबको फोन कर रहे हैं। पहले मेरा DNA टेस्ट हुआ 26 तारीख को हम आए, कोई उसके 15-16-17 दिन के बाद वो लोग बोला कि आज मैच नहीं हो रहा है सैंपल, घर से पिताजी को चाहे किसी और को बुलाइए। पिताजी भी आए 13 तारीख को, उनका भी DNA सैंपल लिया गया 14 तारीख को। आज सर 16-17 दिन हो गया है, आज रोज फोन करते हैं, डेली सबको फोन करते हैं। वो लोग कहता है अभी रिपोर्ट नहीं आया है, लैब से रिपोर्ट आएगा तो बताएंगे। घर पे भी सब लोग परेशान हैं, इधर हम लोग परेशान हैं, बताइए। आपके पिताजी भी आए थे, हमने उनसे मुलाकात की थी, उनकी तबीयत खराब हो गई। जी सर उनका तबीयत खराब हो गया तो उनको घर भेजना पड़ा हमको, हम उसके लिए मुझको किल से वो बनवाना है 30 एविडेविट बनवा कर उनको घर भेज दिए हम। तब से हमारे रोज फोन कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं आज रिपोर्ट आएगा, कल आएगा, हम बताएंगे।
आपके भाई सिनाई कंपनी की ओर से काम कर रहे? मेरा भाई मैथ्यू कंपनी में सुपरवाइजर थे। अच्छा, मैथ्यू कंपनी को जब आप फोन करते हैं, संपर्क करते हैं, ONGC को संपर्क करते हैं, क्या जवाब मिलता है? वो लोग कहते हैं कि जब अभी लैब से रिपोर्ट नहीं आया है, लैब से रिपोर्ट आएगा तो हम बताएंगे। मुंबई में डेढ़ महीने किस प्रकार का संघर्ष आप करना पड़ रहा है? यहाँ से अंधेरी से आप कहीं जाते होंगे, आते होंगे, क्या करते हैं दिन भर? सर दिन भर उन्हीं के सोच में डूबे रहते हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, सबको कॉल करते हैं, सबसे पूछने का कोशिश करते हैं, कोई सटीक जवाब नहीं दे रहा है कि कहाँ है भाई। क्या मांग करते हैं आप? सर वो तो पहले मैं भाई का पता कर रहा हूँ, अभी तो कुछ मांग नहीं किए हैं, खाली इतना ही है कि भाई कहाँ है, पता चल जाए कहाँ है भाई। आपके भाई के जो परिवार हैं, बच्चे हैं, बेटी है ग्रेजुएशन कर रही है, बेटा है और पत्नी, क्या वो फोन पर आपसे क्या आप हिम्मत कैसे बढ़ा देते हैं, क्या कहते हैं? सर वो लोग डेली हमको फोन कर रहा है, सब लोग पूछ रहा है, कुछ पता चला कहाँ है, कैसे हैं, हम कह रहे हैं नहीं अभी कुछ पता नहीं चला है, जैसे पता चलेगा हम बताएंगे। मान लीजिए वही सात आदमी को सबको संभालते थे, घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, कैसे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। देखिए ये परिवार की स्थिति है कि उत्तर प्रदेश से कुशीनगर से काम करने आए थे इनके भाई और डेढ़ महीने बाद भी कोई खबर नहीं है। देखिए पंकज, ये दूसरा परिवार है, पंकज कुमार दास की ये तस्वीर है और उनके पिता खोकन चंद्र दास जो कि हाथ में तस्वीर लेकर खड़े हैं, तबीयत खराब है, जिंदगी में पहली बार अपने गांव से निकले और मुंबई आए। हिंदी बोल पाते काका थोड़ा बहुत? क्या कब आए आप और क्या क्या तकलीफ है, क्या कैसे आप लोग ढूंढ रहे हैं अपने बेटे को? बेटे को ढूंढ रहा, कंपनी में गया, हॉस्पिटल में गया, पुलिस थाना में गया। हाँ तो अब मेरा ब्लड लिया, बोल रहा DNA टेस्ट होगा, इसका पहले मेरा बेटा आया था उसका ब्लड में बोल रहा नहीं मिल रहा तो तुम आ जाओ, तो मैंने आया, आज इतना दिन हो गया इधर आके बैठ गया है। मुश्किल है, मेरा तबीयत खराब, उसका 3.5 दिन एक बेटी है 8 साल का, उसका मुंह है वो लोग भी रो रहा, इसलिए ये बोलेगा। स्वपन कुमार हमारे साथ हैं, स्वपन हमें बताइए आप पंकज की तलाश के लिए आप लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, क्या जवाब मिल रहा है आपको? जी मैं पंकज कुमार तरफ से बोल रहा हूँ, मैं इनको साथ में लेकर आया है, इन्होंने उनका पिताजी है, इनको यहाँ पे लोकेशन बराबर मालूम नहीं है, मुंबई का कहाँ पे क्या कंपनी है, किधर DNA होता है, तो मैं यही बोलने चाहता हूँ हम लोग यहाँ पे डेढ़ महीने से रुका है, अभी भी DNA का कुछ रिपोर्ट नहीं मिला है। पहले इनका बड़ा लड़का आए थे, उनका DNA मैच नहीं हुआ, फिर कंपनी ने बुलाया गया इनको, फादर को लेके आओ, मैं इनको साथ में लेके आया, तो अभी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया इन्होंने बैठा है, तबीयत खराब हो रहा है, DNA का सैंपल लिया है लेकिन अभी तो कुछ रिपोर्ट नहीं मिला है। अच्छा तो, आप लोग को कहीं जाना होता है तो आप कैसे क्या करते हैं, कंपनी क्या बोलती है? जब हम कंपनी में गया था इनको लेके गए तो कंपनी को पूछा था इनका क्या पेपर से सब्जी बताइए और दीजिए, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दे रहा है, बोलता है पेपर सब भेज दिया है, दे दिया है हाथ में, लेकिन वो तो पानी में इनका लड़का जो गया था काम करने के लिए BP 305 तो वहाँ पे उनको क्या दिया नहीं दिया, नहीं दिया है हम लोग को पता नहीं है, घर में भी कुछ मालूम नहीं पड़ा, तो कंपनी ने ऐसे झूठ बोलता है। हम लोग यहाँ पे आके जब संपर्क किया है दूसरे किसी से, उन लोग भी ये सेम चीज़ बता रहे हैं कि हम लोग को भी कुछ पेपर्स नहीं रहा है, इसका मतलब पूरा फॉल्स बता रहा है कंपनी, तो देता होता तो सबको देता होता, नहीं तो किसी को देता नहीं होता। ONGC और कंपनी से क्या मांग करना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि ये पंकज का जो एक छोटा लड़की है इनका, इनको फैमिली को देखभाल के लिए अभी कोई नहीं है, और एक लड़का है वो भी खेती में काम करता है, लेकिन खेती में आपको मालूम है क्या मिलता है खेती में, तो हम चाहते हैं कि ONGC कंपनी को और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मैं बोलने चाहता हूँ, इनका फैमिली के बारे में थोड़ा सोचिए, जैसे इन लोगों को अच्छा दिन, अभी तबीयत खराब है, तो क्या आप इनको गाँव भेजने का सोच रहे हैं, क्या सोचा है इनके बारे में? देखिए हम ऐसे कंडीशन में हैं, यहीं पे कंपनी को फ़ोन किया, ONGC वालों को फ़ोन किया, उन लोग बोलता है रुको रुको रुको, आप लोगों को सब कुछ खाना दे रहा है, होटल दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग खाना खाने आए नहीं, रुकने के लिए आए नहीं, अपने लड़का को ढूंढने के लिए आया, तो इनका तरफ तबीयत खराब हो रहा है, इतना हमको संभालने मुश्किल हो रहा है, कभी कभी इतना रो रो के बेहोश हो जा रहा है, तो ये हमको संभालना पड़ता है ऐसा सिचुएशन में हम है। बिल्कुल ये स्थिति है एक पिता की, 65 साल की उम्र में अपने बेटे के लिए मुंबई आए हुए हैं और बेटी की कोई स्थिति नहीं पता चल रही है, और बहुत कठिन होता है, हिम्मत रखिए,
बेहद कठिन पल है सभी पूरे परिवारों के लिए, ये स्थिति है। हमारे साथ तीसरा परिवार है, ये खटर शाह, जो कि बिहार के मधेपुरा जिले के रहने वाले हैं। आपके आप बात करेंगे इनके तरफ से। प्रमोद, आप उसका भाई बोल रहे हैं सर, ललन बोल रहे हैं सर। जब हम आए 21 को आए यहाँ पे 22 को, तो 22 को पहले कंपनी के पास गए, उसको बोले कि सर क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरा भाई कहाँ है सर, क्या पता है उसका। तो बोले क्या कि मतलब बाज तो डूब गया है, उसका खोज खबर ले रहे हैं, जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे। उस रोज तो आए, उसके बाद सर गए कंपनी में ब्लड टेस्ट देने के लिए, तो वहाँ डॉक्टर साहब बोले कि 3 दिन के अंदर आप लोगों का रिपोर्ट आ जाएगा, जो भी होगा बॉडी में वो मिल जाएगा, नहीं तो उसे और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अगर वो उसमें जिंदा होगा तो पर भी आपको मिल जाएगा। हम लोग ब्लड सैंपल दे करके ONGC होटल प्रोवाइड किए, तो वहाँ होटल में आ गए। उसके बाद उसका वेट करते करते कंपनी को ONGC को कॉल करते, सिनाई कंपनी को भी कॉल करते थे सर, और ONGC कंपनी को भी कॉल करते थे, तो वो बोलते थे क्या जो आएगा तो बता देंगे, आएगा तो बता देंगे, ऐसे करके वो टालते रहते थे। कुछ दिन बाद 15 से 18 दिन बाद वो बोले क्या जो आपका DNA सैंपल मैच नहीं हुआ है, तो या तो अपनी मम्मी या पापा को बुलाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है सर, तो पापा को बुलाए सर, तो पापा को बुलाए, अपने खर्चे पे बुलाए उसको, और जाकर के DNA टेस्ट दिए। DNA टेस्ट देने के बाद सर बोले कि 3 दिन में फिर आ जाएगा। आज सर 17-18 रोज होने को चला है सर, ये बीमार है सर, इसको भेजने के लिए भी सर कंपनी से बात करते हैं सर, जो भी पैसा लगा करके आए वो तो कम से कम दे दीजिए। हम लोगों का जो एक ही कमाने वाला था, उसका 2 बेटी 1 बेटा, उसकी वाइफ और हम एक हैं सर, हम भी पढ़ाई करते हैं, उसका मम्मी पापा सब उसी पे डिपेंड था सर, अब कमाने का कोई जरिया नहीं है सर, और पैसा भी नहीं, इसको भेजने के लिए सर उसको बोल दें कि पैसा दीजिए, इसको किसी तरह भेज देंगे सर, बॉडी जो भी हमको बॉडी मेरा भाई दे दीजिए किसी तरह। जहां आप लोग रुके हैं, यहां से जब येलोगेट पुलिस स्टेशन जाना होता है, JJ अस्पताल जाना होता है, आप उसके लिए जब कंपनी से बोलते हैं, कंपनी क्या जवाब देती है? कंपनी बोलती है कि हम उसका पैसा नहीं दे पाएंगे, आप अपने खर्चे से आइए और जो भी काम है वो कीजिए, हम सिर्फ आपको रहने का दे रहे हैं और जाने का देंगे बस, यहाँ जो काम होगा उसका पैसा हम नहीं दे पाएंगे, हमको नहीं अलाउ है देने का, ऐसे करके बोल रहे हैं कंपनी। क्या मांग करते हैं कि सरकार इसमें दखल अंदाजी करे या कंपनी इस पे जल्द से जल्द कोई जानकारी दे? कंपनी से जल्द जानकारी देने के रास्ता तो वो दे देती सर हमको, हम सरकार से करते हैं कि कंपनी के ऊपर दबाव बना कर कोई बोले कि जल्द से जल्द इसका जो होता है जो बॉडी है इसको प्रोवाइड किया जाए, और इसके फैमिली को जो एक अच्छी से अच्छी जिंदगी जिया जीने के लिए उसके जो उसका जो सर इसको भर उठाया जाए बस। कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज कंपनी ने कुछ भी दिया है, कुछ भी पेपर कंपनी में काम करता था, ये अपॉइंटमेंट लेटर है या ऑफर लेटर है, कुछ दस्तावेज है? जी सर, वो एक क्रू लिस्ट दिया था जिसमें 23 आदमी का वो है, जिसमें मेरा भाई सिनाई कंपनी से था और कैंपस था सर, और ज्वाइनिंग किया था 28/10/2020 को सर, ऐसे करके वो क्रू लिस्ट दिया है सर, उसको मांगे थे। प्रमोद कुमार के पिता जो कि अपने बेटे के लिए तस्वीर लेकर भटक रहे हैं, मोबाइल में एक फोटो है, ठहर रखिए अंकल जी। ये प्रमोद कुमार जो कि सिनाई कंपनी की तरफ से ONGC के लिए काम करते थे, और बहुत कठिन पल है पूरे परिवार के लिए, मधेपुरा जिला से मुंबई आया हुआ है, इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके बेटे के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, एक ही कमाने वाला बेटा जो जिसकी कोई खोज खबर नहीं है, जिसके कोई पता नहीं है। और ये जो चौथा परिवार है श्रीभास घोष का, जो कि P-305 पर काम कर रहे थे, देखिए श्रीभास घोष जो कि सिनाई कंपनी की ओर से इस जहाज पर गए थे, उनके पिताजी तुलसीदास घोष हैं जो कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के रहने वाले हैं, और श्रीभास की माता भी आई हुई हैं कुछ दिनों पहले ही मुंबई। अंकल जी, आप तो बहुत दिनों से मुंबई में हैं, 1.5 महीने से कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, क्या क्या कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है? कुछ बोल नहीं सकेगा मेरा। जी आप बता पाएंगे कितना परेशानी होना करना पड़ रहा है बेटे के लिए, आप लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं? जा रहा है तो मतलब हम लोग तो JJ हॉस्पिटल में गया है, फिर पुलिस स्टेशन गया है, पुलिस हॉस्पिटल में गया है, सिनाई ऑफिस में गया है, लेकिन हम तो सबसे पहले कहना है ये बच्चा लोगों का 15 मई को छोटी होने वाला था, लेकिन ये लोग को उतारा नहीं गया है, ये लोग को जबरदस्ती बीच पे रखा गया है, तो हम लोग तो परेशानी में फंस गया है। तो अभी हमारा बात है कि जो 17 तारीख के बाद हम लोग ये दोनों, ये पहले आया था श्रीभास घोष का डैडी और उसका गांव का एक लड़का को लेकर आया था, तो वो
आने के बाद 13 तारीख तक उसका डीएनए रिपोर्ट दिया था पहले आके, तो उसका मिला नहीं, तो उसके बाद हम उसको माइको लेके आए हैं, माइको लेके आए हम भी 14 तारीख को ब्लड दिया है डीएनए के लिए, तो 7 आदमी दिया था उस दिन, तो 3 आदमी को डीएनए रिपोर्ट 4 दिन के अंदर अंदर मिल गया, फिर हम लोग 4 आदमी फंस गया है, हम लोग को अभी तक डीएनए नहीं मिला है, तो हम बोलेगा कि हमको जितने जल्दी हो सके हम लोग को ये परेशानी से दूर करें आप लोग, और फिर हमारा बच्चों का सैलरी का बिल नहीं, सैलरी बोल रहा है कि सैलरी चला गया मई महीने का बाकी है, लेकिन हम लोगों का सैलरी पूरा तरह नहीं मिला है। अच्छा, और एक बात है क्या, कुछ अगड़ा बगड़ा पेपर हमारा पास कुछ नहीं है, ओरिजिनल नहीं हो तो हमको कुछ जेरॉक्स रहा डुप्लीकेट तो हमको दे सकता है, वो भी कुछ हम लोग को नहीं दिया है। इंश्योरेंस के बारे में पूछ रहा है, बोल रहा है वो हम नहीं जानता है, किसी पेपर के बारे में पूछता है, पेपर नहीं है श्रीवास का कोई भी। माता जी कभी कितने दिन पहले आप आए मुंबई? हिंदी बोल पाती हैं आप? अच्छा, खुद ध्यान रखिए, देखिए ये अलग अलग परिवार हैं और ये स्थिति है, कोई उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का रहने वाला है, कोई बिहार का, कोई पश्चिम बंगाल का, अपने अपने बेटों के लिए, अपने अपने भाई के लिए कोई अस्पताल के चक्कर काट रहा है, कोई पुलिस थाने के चक्कर काट रहा है, कंपनी जवाब नहीं देती, अस्पताल में कोई जवाब देने वाला नहीं है, 1.5 महीने प्रतिदिन घूट घूट कर रहना पड़ रहा है, कोई खबर नहीं मिल रही है, सिर्फ एक उम्मीद में कि शायद लापता हो तो क्या स्थिति है ये पता चल जाए, कम से कम जब अपने गांव लौटेंगे तो परिवार के अन्य सदस्यों को वो बता पाएंगे आखिरकार हुआ क्या, लेकिन कंपनियां हैं कि उन्हें उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं होती, वो जवाब नहीं देते, ना इन परिवारों के फोन को उठाते हैं जवाब देते हैं, और ना ही आधिकारिक तौर पर कोई बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं इन परिवारों की यही अपील है कि 1.5 महीने का संघर्ष कम से कम खत्म हो और ये बताएं कि उनके परिवार के बच्चे कहाँ हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।